बन्नी, क्या आप भी मना रही हैं सैटरडे वाली छुट्टी? क्या कहा? वेल, बन्नी और युवान की इस कहानी में भी लगातार आता रहता है ड्रामा। तो क्या कह रही है बन्नी और युवान की ये कहानी? चलिए फटाफट देखते हैं आज कौन सी नई कहानी पक रही है बन्नी की रसोई में। लेकर चलते हैं आपको बन्नी चाव की होम डिलीवरी के सेट पर। बजी खतरे की घंटी। कबीर की धमकी। खबरदार जो किसी को मेरे बारे में बताने की कोशिश भी की। क्या कबीर बन जाएगा युवान का जानी दुश्मन? अब जिंदा रहेगा कबीर सिंह राठौर। स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाव होम डिलीवरी में कबीर पहुंच गया है अस्पताल, क्योंकि वो जान गया है कि डॉक्टर को युवान की स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में पता है और उसने बन्नी को बुला लिया है ये सच बताने के लिए। ऐसे में बन्नी के सामने खुलासा ना हो कबीर चुन्नी ओढ़कर वहाँ बैठ गया है। इस बात से अनजान डॉक्टर ने बन्नी को सारी बातें बता दी, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हुई तो सामने आया कबीर, और फिर कबीर ने दिखाया अपना असली रूप और साथ ही दे दी डॉक्टर को धमकी भी। खबरदार जो किसी को मेरे बारे में बताने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, कबीर ने तो ये भी बताया कि बहुत जल्द युवान हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ देगा, और साथ ही ये भी बताया कि बहुत जल्द युवान की पहचान पूरी तरह से मिट जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा वो युवान सिंह राठौर। अब जिंदा रहेगा कबीर सिंह राठौर। जानते हो क्यों? क्योंकि कबीर ताकतवर है, कबीर स्ट्रॉन्ग है, उस युवान जैसा नहीं जो इमोशनल फूल है, अ ब्लडी इमोशनल फूल। जिस डॉक्टर ने सर्जरी की थी उन्हें शायद थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि शायद ये स्प्लिट पर्सनालिटी वाला मामला हो सकता है, और उन्होंने देख लिया कबीर को, और कबीर को पता चल जाता है कि डॉक्टर को पता चल गया, और डॉक्टर शायद बन्नी को बता देगा, और ये कबीर बिल्कुल नहीं चाहता। भाई डॉक्टर जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन युवान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे बना लिया अपना शिकार, जिसके चलते बन्नी के सामने सच आते आते रह गया। एक्चुअली डॉक्टर संजय होता है, गलती भी हो सकती है लोगों के साथ, क्या क्या नहीं हो सकता है, पर डॉक्टर संजय की वजह से युवान सबसे पहले तो ठीक हुआ है। अब बाद में उसके बाद देखो, उन्होंने पहले ही बताया था कि कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं बन्नी सर्जरी के, कि युवान भूल सकता है, सबको भूल सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि सर्जरी के बाद ऐसे स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले चांसेस हो सकते हैं, जो होता होगा। साइंस is there, the field of psychology is there, which I haven't read anything about, but I believe, and देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा कुछ है तो बन्नी इतना प्यार करती है युवान से, और साथ ही साथ बन्नी है ही ऐसी, वो कुछ भी कर सकती है। मतलब वो काचे काचरों की चटनी सिलबट्टे पे पीस सकती है और 36 लोगों को अपने रसोई के पाटे पे। आप लोगों ने देखा ही होगा बन्नी को, तो बन्नी बहुत धाकड़ है और वो बिलीव करती है, अगर कोई चैलेंज आया है लाइफ में तो उसे वो फेस करेगी और ठीक भी करेगी। भाई कबीर ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसका दिल तुलिका पे आया है, और वो कोई ना कोई बहाने ढूंढता है तुलिका से मिलने के। जरा देखिए कैसे वो अपने आप को घायल करके तुलिका से मिलने उसके अस्पताल भी पहुंच गया, और अपने ही अंदाज में उसने तुलिका से अपना प्यार जाहिर भी किया। और कहीं ना कहीं तुलिका को भी कबीर का ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। वैसे तुलिका इस बात से अनजान है कि कबीर ही युवान है जो बन्नी का है पति। एक्चुअली मैं तो बहुत शॉक थी क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट पता नहीं थी, और हम सबको ही बहुत कट टू कट स्क्रिप्ट्स मिल रही है, तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड इट्स वेरी लाइक सरप्राइजिंग। मतलब थ्रिलर शो हमारे लिए भी, मतलब वही फीलिंग है हमारे लिए, बहुत थ्रिलिंग है। नेक्स्ट कट है क्या? नेक्स्ट कट पढ़ते ही हमें समझ, अच्छा ऐसी कहानी, अच्छा वैसा ये होने वाला है। और अभी तक बन्नी को नहीं पता है जो हो रहा है, इसे भी नहीं पता कि कबीर के अंदर कोई युवान है, मुझे भी नहीं पता कि युवान के अंदर कोई कबीर है। अब देखते हैं खुलासा कब होता है, धीरे धीरे पन्ने पलटेंगे तो सब चलेगा। किसी को नहीं पता, सब इधर उधर घूम रहे हैं, कभी इधर से एक आ रहा है तो दूसरा इधर से आके मुड़ के चला जा रहा है, हिट एंड मिस चल रहा है, बट वो इतना ड्रामा बिल्डअप कर रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग।
रोशनी और तुलिका भले ही युवान की सच्चाई से अनजान हो, लेकिन बहुत जल्द दोनों के सामने खुलासा हो जाएगा कि युवान ही कबीर है। और उसके बाद बन्नी कैसे कबीर से अपने युवान को बचाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।